प्लान बनाया हमने, उसका नाम है आवर पाकिस्तान इकोनॉमिक रिकवरी प्लान। और उसके लिए हमने एक शॉर्ट लिस्ट की है हमने, क्योंकि हर चीज में हम एकदम नहीं कूद सकते। वो चीजें, वो एरियाज जहां पर हम तरक्की कर सकते हैं और इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, उनको हमने चुना है। उनमें नंबर एक ज़राअत है, नंबर टू हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, नंबर तीन उसमें हमारी मादनियात हैं। अल्लाह ताला ने कितने खजाने दिए हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, नॉट रुपीस, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के खजाने पाकिस्तान के ज़मीन में मदफन हैं, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो पंजाब है, सिंध है, केपी है, हर जगह अपना कहने हैं। और मैं क्या बताऊंगा आपको, लेकिन चाहे वो आपका पंजाब का चनोट का खजाना है, आयरन ओर का, या बलूचिस्तान के खजाने हैं, एक धेले की हमने अभी तक वहां से अपना रिकवरी नहीं की। और अरबों रुपए कौम के जाए के ऊपर, लिटिगेशन के ऊपर, और जिनको हमने वो दिए अपना वो कॉन्टेक्ट किए, वो वन वे और दी अदर वो चैलेंज हो गए, उन्होंने जाकर बाहर लिटिगेशन की, आर्बिट्रेशन, हमें अरबों डॉलर के तवान ठुक गया। और एक धेले की हमने वहां से पाकिस्तान की आवाम के मफाद के लिए कोई एक धेला नहीं कमाया। दिस इज हाउ एज अ सोसाइटी, एज अ कलेक्टिव एंटिटी, वी हैव सफर्ड, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो इसके जिम्मेदार हैं। बशमूल मेरे 75 साल में, चाहे वो सियासी जमात है या मिलिट्री डिक्टेटर्स, सब इसमें शामिल हैं, सब इसमें कसूरवार हैं। लेकिन एज ए सेट, मैंने अभी आपको बताया कि माजी में झांकने से कोई फायदा नहीं, माजी से सबक हासिल करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यकीन करें कामयाबी आपके कदम चूमेगी, उसी तरीके से जिस तरह जापान और जर्मनी जंगे दोयम में बिल्कुल वो नेस्तो नाबूद हो गए, करोड़ों लोग लुकमा अजल बन गए, 50-60 साल में द बाउंस बैक, जर्मनी भी और जापान भी। कोई मार्शल प्लान आया बिल्कुल, लेकिन उसके बाद उन्होंने दिन रात मेहनत की, दिन रात इतनी मेहनत की कि अपना तारीख उसकी गवाह है। आज जापान और जर्मनी जो बिल्कुल सफाए हस्ती से मिट गए थे, आज वो दोबारा दे आर एंटिटीज एंड पार्ट्स टू बी काउंटेड। तो वो कोई जादू, कोई अपना बैठ के अल्लाह ताला के हुक्म में नमाज पढ़ो और निकल जाओ रिज़्क़ की तलाश के लिए। उन्होंने दिन रात मेहनत की, एजुकेशन के सेंटर्स बनाए उन्होंने जनाब, अब यूनिवर्सिटियाँ बनाई, चाहे वो हामबुर्ग यूनिवर्सिटी है, जापान में टोक्यो यूनिवर्सिटी है, और उन्होंने रिसर्च सेंटर्स बनाए। हमने हमारी जो इस्लाम मुसलमानों की, मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, साउथ एशिया की, हमने मकबरे बनाए बड़े बड़े, और उनकी याद में, किसी फलाह मलिका की याद में, किसी फलाह मलिका की याद में उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, उन्होंने रिसर्च सेंटर्स बनाए, आज वो कहाँ के कहाँ निकल गए। ये तारीख का सबक है। मैं ज़्यादा नॉट हेयर टू डिलीवर अ सर्मन, मेरी बहुत ही बड़ी ही नहायत आजी से ये मेरी टूटी फूटी बातें हैं अपने आप से और आपकी खदमत में। आप इस कौम की अजीम सपूत हैं, आप कौम की यहाँ पर माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं। मैं समझता हूं कि अगर आज हम ये तय कर लें कि हमने पाकिस्तान को हमने बनाना है, तो खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि पाकिस्तान अगले चंद दिनों में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगा। प्रोवाइडेड, मैं हमेशा कहता हूं कि इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट शुड बी अबाउट अस। तो फिर ये पाकिस्तान किसी कर्ज का मोहताज नहीं होगा। ये ज़रात, ये मादनियात, ये दरिया, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के खजाने हैं जो कि पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे।